के पार्टियों की चाहत है कि माननीय रणजीत देश की प्रधानमंत्री बने। जब देश के तमाम क्षेत्रों की पार्टियों की चाहत बन गई है तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली प्रदेश से सातों सीट जिताकर माननीय बहन जी को देश के प्रधानमंत्री में अपना सहयोग देने का काम करें। ऐसा नहीं कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो। भगत सिंह को तो अपने ही घर में पैदा करना होगा और अपने ही हमें संघर्ष करना होगा। तो ये आंदोलन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है। इस आंदोलन की यदि आप चाह चाहते हैं, यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऋण को आप उतारना चाहते हैं, जिस बाबा साहब ने हमें कोट पैंट दिया है, आज हम इसी एक सी हॉल में बैठकर हम सब लोग अपनी बात कहने का जज्बा रखते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस बाबा साहब ने अचल संपत्ति शासक बनने का, लिखने पढ़ने का, शिक्षक शिक्षा देने का, तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। ये तमाम जो मौलिक अधिकार दिए हैं, इन मौलिक अधिकार की हमें रक्षा करनी होगी, इनकी हिफाजत करनी होगी, इनको दिशा देनी होगी। यदि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की रक्षा हिफाजत दिशा नहीं दे पाएंगे तो आने वाले के लिए तैयार हो जाए। जो हजार साल पहले हमारे आगे हंडे थी, पीछे झाड़ू थी, पैरों में घुंघरू थे, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ यदि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की रक्षा हिफाजत नहीं करी तो आपकी भी देश में ना हिफाजत होने वाली, ना रक्षा होने वाली और ना ही आपको दशा मिलने वाली। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ हम सब मिलकर आज वक्त की जरूरत है कि माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपके प्रदेश समय केवल दिनों का रह चुके हैं, केवल दो महीने आपके पास बचे हैं, फरवरी और मार्च अप्रैल में आपका चुनाव है। हम सभी को प्रदेश से लेकर बूथ के कार्यकर्ता को हमें अपनी कमर कसनी होगी, कमर कसकर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बहन जी को यहाँ अपना कैंडिडेट मानकर, बहन जी को प्रत्याशी मानकर, बहन जी को ही सांसद बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम वालेकुम।